कल का जो हमारा क्लास था, टॉपिक था, उसमें हम लोग लट लकार पढ़ रहे थे। तो लट लकार का कुछ मैंने ट्रांसलेशन आपको बनाने दिया था, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन दे रही हूँ, यानी ट्रांसलेशन को मैंने बनाया हुआ है, आप इसको मिला सकते हो। तो पहला था राम जाता है, तो रामः गच्छति, तुम दौड़ते हो, त्वं धावसि, हम लोग लिखते हैं, वयं लिखामः, सीता खेलती है, सीता क्रीडति। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि सीता सिंगुलर है, एक लड़की का बात हो रहा है, तो इसलिए सीता लिखेंगे। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, मैं खाती हूँ, अहम खादामि, वह गाती है, सः गायति, नर्तकी नाचती है, नर्तकी नृत्यति, फल गिरता है, फलम पतति, तुम लोग क्या करते हो, युयम किम कुरुत। अब जो है, कल हम लोग क्या किए थे, लट लकार का ये प्रत्यय रूप छूट गया था, तो आपको मैं आज लिखवा दी हूँ, आप लोग लट लकार जहाँ पे ये ट्रांसलेशन बना है उसके जस्ट नीचे इसको लिख लेंगे ताकि रिमाइंड रहे। ती एक प्रथम पुरुष के लिए, ती त अंति, यानी एक वचन के लिए ती, द्विवचन के लिए त, और बहुवचन के लिए अंति। मध्यम पुरुष सी था थ, आमित आव आव, ये कोई नई बात नहीं है, इसके इससे आप पहले से परिचित हैं, क्लास 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, तो ये याद होना चाहिए। और जो है, अब लंग लकार की बात, लंग लकार यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का परिभाषा क्या कहता है, कि जो बीते हुए समय को सूचित करे उसे लंग लकार कहते हैं, यानी द टाइम विच हैव पास्ट, जो समय बीत चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत मानते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में था है थी है थे हैं या आई लगा रहे, तो वह लंग लकार के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल, जैसे मोहन घर गया था, मोहन गृहम अगच्छत। अब इसका जो है प्रत्यय रूप देखिए क्या है, प्रथम पुरुष अत ताम अन, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें क्या है कि जब भी हम लोग अत ताम अन लगाएंगे तो उससे पहले ओ जोड़ना जरूरी है, इसलिए सबके पीछे ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस करके किया हुआ था, अतम अन ओह तम तो अम आम। तो ये हो गया आपका लंग लकार, और इससे रिलेटेड कुछ हम एस डब्ल्यू देंगे आपको होमवर्क, उसको ये आप लोग को बनाना, तो आप लोग